सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों की, उन्हें एक दूसरे के लिए खतरा बताने वालों की, टू नेशन थ्योरी के घातक परिणामों की। इस देश की राजनीति के खेल बड़े निराले हैं। यहां आजादी के बाद से ही एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बना रहे, ताकि दोनों को एक दूसरे का भय दिखाया जाता रहे। हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, इस तरह का राग अलापने वाली पार्टियों ने इस फॉर्मूले के दम पर जमकर सियासत की और आज भी कर रहे हैं। यह खेल आजादी के पहले 20वीं सदी की शुरुआत में खेला गया, जब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव रखा था। जिन्ना और अन्य मुस्लिम नेताओं का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समूह हैं जिनकी अलग अलग धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, इसलिए वे एक राष्ट्र के रूप में एक साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ हिंदू नेताओं और संगठनों की भी यही राय थी। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनके साथ दारुल उलूम देवबंद के जुड़े कई मुफ्ती, खासकर महमूद साहब ने इसकी मुखालफत की। मुख्तार अहमद अंसारी जैसे नेताओं ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत और देश विभाजन का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मजलिसे अहरारुल इस्लाम से संबंध रखने वाली पृष्ठभूमि से आने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी मुस्लिम लीग का विरोध किया था। मौलाना आजाद ने तो कांग्रेस के भीतर या बाहर किसी भी अन्य समकालीन नेता की तुलना में जिन्ना और उनके विचारों और प्रस्तावों का अधिक दृढ़ता से विरोध किया था, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समाज। तब कोई भी मौलाना आजाद की तरह कड़ा विरोध नहीं कर सका था। 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था, अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी यह कहे कि वह हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता देगी तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। स्वतंत्रता मिलने में होने वाली देरी में भी भले हमें नुकसान हो, लेकिन हमारी एकता टूट गई तो इससे पूरी मानवता का नुकसान होगा। आज उसी थ्योरी पर पाकिस्तान के हालात किस तरह हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। जिन्ना का पाकिस्तान मुसलमानों का होकर भी आपसी संघर्ष की मिसाल बना हुआ है। साजिशें इस कदर कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कभी फांसी तो कभी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, कभी विदेश भाग जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जियाउल हक, मुशर्रफ इसका उदाहरण है। नवाज शरीफ अब भी देश से बाहर है। इमरान का भविष्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बंगाल पाकिस्तान चीन जैसे देशों पर निर्भर है। भारत का विरोध करना और उस आधार पर विश्व बिरादरी में बेचारा बने रहने का कवायद करना उसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। जबकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एक नजीर कायम की है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फिर वही नफरत की सियासत को हवा देने की कोशिश हो रही है। हाल के वर्षों में बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के मदद से इस्लामोफोबिया का हवा इस कदर तैयार किया गया है कि दो समुदाय एक दूसरे से दूरियां बना ले। आज देश की लगभग 30% हिंदू आबादी के मन में यह बात डाल दी गई है कि देश में हर समस्या का कारण मुसलमान है। आश्चर्यजनक तौर पर इतनी बड़ी आबादी इसे सच भी मान रही है। दूसरी तरफ मुसलमानों में भी हिंदुओं का भय बिठा दिया गया है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इस भय को बढ़ावा देती हैं। देश में हिंदू आबादी लगभग 96 करोड़ और मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ के आसपास है। अब अगर आबादी का इतना बड़ा हिस्सा सारी समस्याओं का कारण है तो फिर इसका कोई समाधान भी तो होगा। एक समाधान तो यह है कि इस देश के तमाम मुसलमानों को मार देना चाहिए या फिर दूसरा पाकिस्तान बनाकर उन्हें देश से अलग कर देना चाहिए। क्या मुसलमानों का सामूहिक कत्ल मुमकिन है? क्या पुनः देश विभाजन की कल्पना देशद्रोह नहीं है? तो फिर क्यों ना मुसलमानों और हिंदुओं के बीच चल रहे विवाद का कोई एक हल निकाला जाए, बेहतर हल? क्या यही एक उपाय नहीं है जो सबसे आसान और दूरगामी परिणाम देने वाला है? इससे देश की एकता भी बरकरार रहेगी, देश से वैमनस्य खत्म होगा, देश हित के कार्य होंगे, देश तरक्की करेगा, समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रही उथल पुथल शांत होगी और जो समाज, राष्ट्र के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी भी हो जाएगा। हाँ, यह जरूर है, उसके लिए नफा नुकसान की मानसिकता से हटकर राजनीतिक परिपक्वता और निष्पक्षता की दरकार होगी। अगर इतना साहस है तो आगे बढ़कर समस्या का समाधान ढूंढा जाए और एक दूसरे का भय दिखाना बंद किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते हुए या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए अपने किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो
कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।